शहर में बढ़ते कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से सभी स्कूल कॉलेज को बंद रखने की हिदायत दी गई है। कोरोना वायरस की संख्या देश भर में 119 हुई है, जबकि महाराष्ट्र में 38 संख्या हो चुकी है। हर दिन कोरोना वायरस मरीज की संख्या में इजाफा होने से राज्य सरकार के शिक्षा विभाग, मनपा कमिश्नर और जिलाधिकारी द्वारा शहर के स्कूल कॉलेज 31 मार्च तक बंद रखने का आदेश सभी स्कूलों में जारी किया गया है, जिसके चलते शहर के सभी स्कूल बंद दिखाई दिए। राज्य सरकार, बाद में म्युनिसिपल कमिश्नर, कलेक्टर, डिविजनल कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन और एजुकेशन ऑफिसर, इन सभी के आदेश मिलने के बाद में स्कूल 16 तारीख से 31 मार्च तक ये बंद करने का निर्णय लिया गया है। ये एक प्रिकॉशनरी मेजर करके लिया गया है। करीब करीब महाराष्ट्र में 3.5 करोड़ बच्चे स्कूल्स में जाते हैं, जो नर्सरी से 12वीं तक के बच्चे हैं, और अगर ये 3.5 करोड़ बच्चों को अगर हम इस प्रिकॉशनरी मेजर का अगर हिस्सा बना ले तो ये 3.5 करोड़ बच्चे अगर बच जाते हैं। अगर इसमें से अगर ये नहीं बच सके, इसमें से कुछ बच्चों को अगर नुकसान होता है, ये वायरस का अगर अटैच हो जाता है अगर वायरस ये, तो ऐसे समय पर हॉस्पिटल्स की कमी आएगी, फिर आइसोलेशन वार्ड्स की कमी आएगी, डॉक्टर्स की कमी आएगी, सरकारी अस्पतालों की कमी आएगी, फिर इनको ट्रीटमेंट नहीं मिल सकेगी, फिर बच्चों के माध्यम से उनके अलग अलग दोस्तों को हो सकता है, फिर उनके पेरेंट्स को हो सकता है, फिर उनके ऑफिसेस में हो सकता है। तो और दूसरा, सरकार ने यह बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है कि जिसमें मैं हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन देवेंद्र जी फडणवीस, इनको भी धन्यवाद दूंगा, इनका इसमें महत्वपूर्ण सहभाग है यह डिसीजन लेने में, जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया कि इस प्रकार का डिसीजन जल्दी होना चाहिए, क्योंकि एक कक्षा में करीब करीब 40 से 50 या 60 बच्चे एक जगह पर बैठते हैं और बहुत ही करीब होके बैठते हैं, तो ऐसे में यह वायरस फैलने में कोई देरी नहीं लगेगी। तो इसलिए यह बहुत ही अच्छा निर्णय सरकार ने लिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि जब तक ज़रूरत नहीं है तो ट्रैवल भी मत कीजिए, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ मत जाइए, एकदम आवश्यक है ऐसे ही जगह जाइए। कोरोना वायरस से दो हाथ करने के लिए प्रशासन से लेकर आम नागरिक इस दिशा में अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि जान है तो पगड़ी 50। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मीरे, NBC News नागपुर।